रज्जो, तू यार अपना ध्यान नहीं रखती है। शादी के बाद ना पति को ऐसे कब्जे में रखना चाहिए। बाहर देखा तूने कितना कंपटीशन चल रहा है? मुझे देख, मैं किसी बन ठन के एकदम टिप टॉप होके अप टू डेट रहती हूँ। ऐसा है बिन्नो, हमारे पास ना इतना फालतू को टाइम नहीं है, हमें बहुत घर में काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, समय निकालना पड़ता है। हमारे खोपड़िया पे ना नौठैया बैठे हैं, ठीक है, और बाके बाद सबसे बड़ी बच्चा हमारी अम्मा है। काम ही काम है हमारे घर में। अच्छा अच्छा, चल चलना चलना रज्जो, चलते हैं लंच करते हैं, मजा आएगा। वो क्या कहते हैं, मी टाइम मी टाइम। कहा था तुमने मी टाइम? बिन्नो हमारे यहाँ ना सब बस वी टाइम होते हैं। मतलब जे की एक वचन तो है ही नहीं है जीवन में, सब बहुवचन है। हम ना ट्रेन के वो इंजन है जाके पीछे इतनी लंबी ऐसी माल गाड़ी जो है बैक टू बैक ऐसे अटैच्ड है। आई बात समझ में? तो समझ लो कितो बोझ हो ये इंजन पे। बहुत पका रही है तू। अब ये बता कि क्या काम रहता है तेरे को दिन भर जो इतना बिजी रहती है? सबसे ज्यादा काम हमारी होते अम्मा को, मतलब इतो काम करवाती है कि मतलब पूरा दिन हमारे वही में निकल जाता है। एक बात है रज्जो, प्यार भी तुझसे उतना ही करती है। ओ, प्यार करती है, लेकिन उनको जो प्यार बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है यार। मतलब इतो ज्यादा प्यार जे। पागल, किस्मत वाली है तू, किस्मत वाली कि बड़े बुजुर्ग का जो साया है ना वो तेरे सर पे। अरे यार कभो कभार जो साया ना बहुत डरावना लग जाता है, ठीक है, रात में उनकी आवाजें ना कान में गूंजती हैं हमारे। वैसे बिन्नो अम्मा के बिना हमारा मन ना लगता है, जब तक उनकी दो चार गाली सुन ना ले ना तब तक दिन हमारा गुजरत ना है। कछु भी कह ले। कुछ भी हो रज्जो, तुम दोनों ना एक दूसरे के बिना अधूरे हो। वो ताने देकर नहीं थकती, तू ताने सुनकर नहीं थकती। जे तो कह रहा है बिन्नो, हम ना किस्मत में लिखवाए के लेके आए, सुबह से लेके शाम तक पहले काम करो, फिर अम्मा की सेवा करो, फिर सोए जाओ, फिर ये काम रिपीट करो। यही हमारा काम है, 20 साल से यही कर रहे हैं। मनोहर, जो नीली वाली फाइल चेक करी? कर ली। और जो गुलाबी वाली? कर तो रहा हूँ। हाओ हाओ, सुन, ढंग से सारी फाइलें चेक कर ली, वो रेशम पला आएगो चेकिंग पे। और आप बस यहाँ बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ेंगे। कबूलू? मतलब कि सर, दिमाग को ज्यादा आराम देने से जंग लगने का खतरा होता है, इसलिए चलता रहना चाहिए। मतलब कि मेरे दिमाग की ऑयलिंग तो हो चुकी है, अब कुछ फाइल्स आप भी देख लीजिए, क्योंकि साइन तो आप ही को करनी है। बेटा देख रहे हैं आजकल ज्यादा ही पाठ पढ़ा रहा हूं, पर तब भी आप कुछ नहीं सीखते। साहब, आप ही को काम कर रहे थे, सारी फाइलें हमने रेडी कर दी। बाद में तुमसे एक अर्जेंट काम है, बस सुन के हैरान मत होना। सर आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया, ऐसे आदमी को देश के किसी बदतर कोने में ट्रांसफर कर देना ही ठीक है। शट अप मनोहर, किसने कहा तुमसे कि हम हप्पू को ट्रांसफर कर रहे हैं? मतलब आप सीधा डिसमिस कर रहे हैं सर, फिर तो मुंह मीठा करना बनता ही है सर, प्लीज। एक सेकंड, जब दो लोग बड़ी बात कर रहे होते हैं तो जरूरी है कि तू सारे अपनों मुंह चलाए। तो बात चल रही है ना, कछु तरक्की की बातें हैं। हाँ साहब, क्या कह रहे? हप्पू जैसे होनहार अफसर को डिसमिस क्यों करेंगे भाई? बिल्कुल। मानता हूं कि हप्पू जो है अपने काम में ढीला है, कामचोर है, निकम्मा है और रिश्वत भी लेता है, हैं? लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बेटा है। अब हमें जो समझ में ना आ रही कि जो हमारी बेइज्जती हो रही है कि तारीफ हो रही है। तारीफ 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 कर रहा हूँ, तुम वाकई में बहुत अच्छे बेटे हो अप्पू। हम अच्छे बेटा हैं तो जा 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 से का मतलब
क्यों? मतलब ये कि क्योंकि जो है अपनी इंटरनल पुलिस के रिकमेंड के हिसाब से हमें एक ऐसे अफसर का नाम भेजना है जो अपने घर में अपने बुजुर्गों का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखता हो। वो बहुत बढ़िया कदम उठाओ है सरकार ने। इसीलिए तो कानपुर जोन में मैंने तुम्हारा नाम फाइल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनाम तुम्हीं को मिलेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, तुम डिजर्व करते हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि तुम माता जी की कितनी सेवा करते हो। और ये माता जी का ही आशीर्वाद है कि तुम इतने बकवास, फालतू और घटिया ऑफिसर होने के बावजूद मैंने आज तक तुमको डिसमिस नहीं किया। करेक्ट। असल में देखो जाए साहब, माँ चीज ही ऐसी होती है, माँ के बिना तो संसार अधूरो। हम आ मतलब आप दिल से आके रहे जब बात ऐसा नहीं है कि हमें पुरस्कार मिल रहा हो तो हम होलो ला गई। माँ के बगैर आप पूछे कछु नहीं है, कछु नहीं, कछु नहीं है, बिल्कुल कछु नहीं है। अम्मा हमारी सब कछु है। इसीलिए तो तुम्हारा नाम मैंने नॉमिनेट किया है, और अगर जीत गए तो खुद मंत्री जी अपने हाथों से तुम्हें पुरस्कार देंगे। सच होगी आपकी यह बात, लोग देखते रहेंगे। थैंक यू सर। अरे थैंक यू कोई बात नहीं, बस इसके अलावा तुम्हारे बारे में मेरी जो सोच है वही है जो पहले से थी, तो इसलिए ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमें ना पता तो कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हो, अंदर आपकी इतना प्यार भरो है हमारे लाने, सिर्फ हमारे लाने। मम्मी आज की ताजा खबर सुनो। बेटा पढ़ाई पे ना ध्यान दे, एग्जाम में जो खबर काम नहीं आई है। अरे बहू सुनाने दे। ना सुनाएगी तो बाकी पेट में दर्द हो जाएगा। सुना दे चमची बिटिया, सुना। दादी आपको पता है मेरी जो फ्रेंड है ना वो गुड्डी, उसकी मम्मी ने उसकी दादी को घर से निकाल दिया। कहा? हाँ। ऐसे कैसे निकाल दो? अरे सास ने अपने बहू के नींबू का ना नहीं छोड़े। अम्मा एक बात हमें समझ में ना आता है, लोग जे कहे भूल जाते कि एक दिन बेबी तो बुढ़े हुई है। सही है। वही तो, लेकिन आप तो दादी का कितने अच्छे से ख्याल रखते हो। हाँ ये बात तो सही है, भले ही लड़ते लड़ते मम्मी और दादी तलवारें निकाल दे लेकिन ऐसे कभी घोपते नहीं है। यही तो हमारे सुख शांति वाले परिवार की निशानी आएगी कि हमारे घर की जो सास बहू है वो चाहे कितनों भी लड़ लें लेकिन बाको असर हमारे घर की खुशियन पे ना पड़ते हुए। सही बात। बेटा तुम जो हमारी तारीफ कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, खुल के बोलो ना, एक ढंग से बोलो, खिचड़ी का ही पकाए रही हो। नहीं मम्मी ये बात तो बिल्कुल सही, हमारा घर तो बहुत अच्छा है। देखो मेरा दोस्त है, उसकी मम्मी घर छोड़ के चली गई। वो दोस्त बोलता है कि मेरी दादी ने मेरी मम्मी को परेशान करके रख दिया था। बताओ घर छोड़ के कहीं गई? अरे ईंट का जवाब पत्थर देती। सही बात। का मतलब? अम्मा मतलब जे कि देखो जो पाप सहत है ना वो भी पाप को बराबर को भागीदार होता है। अच्छी बात तो सही कही। भगवान को लाख लाख शुगर है वो कि हमारे घर ऐसो ना है। हमारे घर की जो सास बहू है उनमें तो कितना प्रेम है, देखो देखो स्नेह स्नेह। बेटा हमारे मायके से ना हमें अच्छे से समझाए के भेजोगा वो तो, कि बेटा ससुराल जइयो तो सास चाहे कितना भी सुनाए कितना भी बोले लेकिन तुम मुंह ना खोलियो, चुपचाप सब सहलियो। और फिर बेटा परिवार की सुख शांति के लाने ना एक को तो एडजस्ट करने पड़ते है ना। का मतलब? नहीं मतलब जाके अम्मा देखो जब आप तो कहो से छुपी ना आए हाँ कि तुम कितो चिल्लाती हो कितना हमें सुनाती हो लेकिन हम तुम्हें कभी जवाब देते पलट के कबू ना देते। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है कि जा घर में जो भी सुख शांति है तेरी वजह से है। देख बहू बात को उछालना, देख सब जानते हैं कि हम तो को कितो बर्दाश्त करते हैं, कोई और सास ना अपनी बहू के इतने नखरे ना सहती ना। मतलब हमने कौन से नखरे दिखाए ना बताइयो तो। बात कहीं और से और चली गई ना। हमारे पास और बतेरे काम है, हम कोई लिस्ट बना के ना रखते ना, अपने बच्चन से पूछ ले अपनी हरकतें।
मम्मी मम्मी डैडी छोड़ो ना, क्यों फालतू के बहस में पड़ रही हो। सही बात है। चलो, नहीं नहीं कोई कहीं नहीं जाइए, इतने ही बैठो। नेक अपनी दादी को बताओ कि घर में कलेश कौन करता है, नेक बताइयो तो। ये जी, अरे जे का बताएंगे, हमसे पूछ। हमारे घर में तू ना ये सब गलत मुहूर्त पे ना ऐसी गलत गलत बातें कर ले, क्या जरूरत थी ये बात करने की। तुम दोनों में से किसी को चोटी बनानी आती है? थैंक्स कमलेश। अब कमलेश, व्हाट मी सेइंग इज दैट ना तो आवर क्लास इज ओवर ना, लेट्स गोइंग समवेयर। Actually, cat, no. Today, me not want to go anywhere. Me just stuck in some problem. Kamlesh, me not understanding one thing that every day, you're telling me, you're asking me, ki where we going now? We going here, we going there. But now, when me is free, you is not going anywhere. Kamlesh, let's going to this now for watching movie. Yes, cat, me want to watch, but today me is very upset, yaar. My God. Meaning Sudarshan uncle again kicking you outside of the house? No. It's time not kicking. It's time other one, different problem. Kamlesh, you know, me not understanding. Why always all the problems searching for you, looking here, there and following behind side your back? Yes, cat. Me really don't know. But this time problem not for me. This problem for my papa. My papa needing license for factory, but usko mil nahi pa raha. See, trying different place. But people closing the door on his face. My God, Kamlesh, this is very much sad. Meaning, what are you doing now? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। Even पापा ने तो हमारा घर भी गिरवी पे रख दिया है। अगर लाइसेंस नहीं मिला तो पूरा घर लॉस में चले जाएगा। अगर मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा, even me not getting any money, सनी यार। Oh no! अब हम मोमोज कैसे खाएंगे? यार मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा तो मोमोज कैसे खिलाऊंगा? Oh no! अब तुम घर कैसे जाओगे? Yes, cat. Please pray to God for my papa. See needing license and somebody help of my papa. Oh God. Oh my God. Yes. You're the papa. Your papa to in big post mein, in police mein. See knowing lots of people, cause he can helping me. My God. Me to not even thinking this. Yes, my father is very much meaning powerful policeman, so he can helping you. Actually, but Kamlesh, father, you knowing na father, meaning he to taking Nechawar as peace. So I think Sudarshan uncle also paying peace. Cat. What are you saying? Me is your best friend, Baba. See, taking your chawar from me and your best friend ke papa se. Kamlesh, sorry, but main na papa ke side business mein zyada na involved nahi hoti. Tum baaki dekh lo, soch lo kya karna hai. Nahi, sahi rahega. Face to face mil leta hu tumhare papa se jaake. And if needing some, you know, little bit fees, then okay, and my work also done. Okay, perfect. So now you're going and talking to father face to face personally. Okay? Personally? No, it meaning alone. No. You come with me. Your papa to hate my body of my face. See, beating me dhar. Mera face bigaad dega wo aadmi. Okay, fine. Me coming, okay? Oh my God. Thank you, cat. You always saving me. Benny, jo phir ek bar khushkhabri sunaya tumhe. कौन चीज की खुशखबरी? तेरे जिगरी दोस्त को डिपार्टमेंट की तरफ से पुरस्कार मिल रहा हुआ है। तुम्हें और पुरस्कार किस बात का? यार तू आदमी है क्या पजामा? ऐसे हैरान काय हो रहा हूँ? अभी तक तुम्हें जो है आलसीपन के लिए, निछावर खोर के लिए है, मतलब फालतूगिरी के चक्कर में तुमको पुरस्कार मिलते थे, इस बार तुम्हें पुरस्कार मिल रहा है। बेटा हम तेरी तरह ना मतलबी आदमी नहीं है, सेवा करती हैं लगन से, अम्मा की दिल से सेवा करती हैं, चरणों में वंदन करती हैं। जेई से खुश होके डिपार्टमेंट पुरस्कार दे रहा है कि भैया कौन आदमी अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हुए जेई से मिल रहा हुआ सारे। नहीं तब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चमूलाल तुम्हें मिलना चाहिएगा यार, चाची की सेवा तो तुम अच्छे से करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम खम्बा ला के दे देते हो,
वैसे एक बात हमने देखी, अगर जो पुरस्कार दूसरे टाइप को होता ना, मतलब लोगाई गुलाम कौन है, बा में तुम नंबर बनाती, हम सेकंड हो जाते हैं। वो बात भी सही है, और इस बात में गलत क्या बताओ, मतलब एक स्त्री है, आपकी अर्धांगिनी है, आप उसकी मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और इससे क्या ना ग्रह कलेश भी नहीं हो रहा है, घर भी अच्छे तरह से चल रहा है, तो इसमें क्या बुरा, मैं करता हूँ बिल्कुल ढंग के चोट पे, कौन बुराई नहीं है। तुम कहाँ मर रहे? अरे हेलो अंकल, हेलो फादर। तू जट एम पे जा कौवा के साथ कहाँ फरफरा रही? My dear father, actually, me is not coming here for my work. Me is coming here for Kamlesh work, right, Kamlesh? का है? अरे वो ये कह रही है कि वो अपने काम से नहीं आई, मेरे मेरी मदद करने के लिए आई है, मेरे काम से आई है, और my काम very important काम। क्या? Important। एक सेकंड, एक बात बता, तूने कौनो कांड बांड तो नहीं कर दूँ? अगर कांड करोगे तो अबे बता दी, मेहनत ना कराइए, सारे हवालात ले जाएंगे। नहीं यार, कैसे पापा आया तुम्हारे? कैसे पापा को का? तेरे सामने बोल रहा हूँ, तेरे बाप को कैसे पापा है बता, जाको कैसे पापा है? ऐसे पापा है, ऐसे पापा है। ओके पापा, पापा मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरे पापा ने एक फैक्ट्री खोली है और उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनको लाइसेंस मिल नहीं रहा है और कोई मदद भी नहीं कर रहा है। हम क्या करें? आप बहुत बड़े वाले, तेरे बाप को बोल रहा हूँ बड़े वाले। मेरा मतलब आप बहुत बड़े इंसान हैं और बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, आप बस एक लाइन बोल देंगे ना तो मेरे पापा को लाइसेंस मिल जाना है। Exactly, father. Father, please, ना, actually, me is giving my tongue to Kamlesh. You please listening to him, helping him, ना? जुगाड़ कछु सोचते हैं। देखो क्या है? हाँ, क्या है? कि मतलब फैक्ट्री के लिए नया लाइसेंस लेने के लिए कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी, ये सब का काम तो हम करवा लेंगे, बाकी जो है रिव्यू पास कराना और ये सब जो फाइलिंग पास कराना है वो चोमूलाल अपने थाने से करवा देगा, तो कोर्ट फीस का जो खर्चा आएगा वो लगभग 1.5 लाख रुपए। ओह माय गॉड, 1.5 लाख मतलब 1,50,000? 1,50,000 लाइसेंस की? 1,50,000 का सिर्फ कोर्ट फीस लगेगा, हम और तुम उसमें से अपना कमीशन या ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल नहीं लेंगे, इसकी कसम। अच्छा अच्छा, ऐसे हैं आ रहे, हिसाब किताब समझ ना पाए। सुदर्शन को तू लौंडा, हमारे घर में दिन भर आनू जानू, तो घर जैसो हो गऊ ना, तो जो कमीशन है वो नहीं ले रहे, तब जाके 1,50,000 अपनो है ना तुम। ओ माय मम्मी, ओ माय गॉड, अंकल जी, यू डूइंग फ्री में फॉर मी, फॉर माय बॉडी, फॉर माय पापा की बॉडी के लिए। अंकल जी मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको ये समझता था कि आप बहुत काइया घटिया बदतमीज बकवास न्यौछावर खोर आदमी है। क्या कह रहा हो? अरे मैं तो सोचता था कि आप वो इंसान है जो लोगों के पैसे लूटता है, जो लोगों के पैसों के पीछे भागता है। देख ले। नहीं, ऐसा मैं सोचता था, पर आपने तो मेरा नजरिया चेंज कर दिया, सोच बदल गई। हाँ, आई लव यू, सोच बदल, ग्रेट पुअर मैन। क्या कह रहा हूँ? आई लव यू, प्यार तो बेटा तू अपनो है, जई वजह से डेढ़ में काम हो रहा हूँ, अरे जा खेल अब। थैंक अंकल जी, स्टिल योर आईज ऑन अदर पीपल्स मनी बट नॉट डूइंग सेम थिंग विद मी विद माय बॉडी, आई सैल्यूट यू बेबी। Kamlesh, he was telling you now that my father is the best father, he definitely helping you. Okay, bye bye. Thank you so much. Thank you, kid. Bye bye. See you guys. चना खाओ, मूंगफली खाओ और टिकाओ। 1.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा, चलो। सुदर्शन ने नमूना पैदा करो है ना, सुनो। का आज गाना ना गाओगी का? जुल्मी सैया थानेदार, देख तो हमें एक बार है? एक बात तो है रज्जो, जब तुम तनक गुस्सा होती हो या तुम्हारा मुंह फूल भाव हो तो है, फूल के कोप्पा भाव हो तो है, तो तुम बला की खूबसूरत लगती हो। एक बार देखियो तुम्हारी इन बातन से ना बाहू गुस्सा दूर नहीं हुए है, ठीक है? तो फिर एक काम करो, हमारे सीना से चिपक जाओ, बिल्कुल तुम्हारा जो गुस्सा है ना रज्जू, भाप बन के उड़ जाएगा। तुम हाथ लगाए क्या मैं देखो, तुम खुद ही भाप बन के उड़ जाइयो। ऐसो कहे, आज एकदम बिल्कुल जंगली बिलैया की तरह तम तम आ रही दादा, ठंडी हो जाओ। अच्छा जो बताओ बात का है? जाए के अम्मा से पूछ लो। तुम्हारी यही तो दिक्कत है, और बल्कि तुम्हारी का ससुर दोंगन की दिक्कत यही है, तुमसे पूछो तो अम्मा से पूछ लो बोलती, अम्मा के पास जाओ तो कहती है हपुआ अपनी लोगाई से जाके पूछ, ना से पीती एक रेपटा लग देती, तुम दोंगन के चक्कर में सारो हमारी भाग दौड़ हो जाती है, हमें ऐसा लग रहा हूँ कचु सालन में जो तोंद हमारी पे चक्के,
कम हो जाएगी और लोग मोहल्ला में बढ़ के ढिंडोरा पीटेंगे, दरोगा की डिलीवरी भाई दस मुंह आ गओ। बहुत ही घटिया जोक सुनाओ तुमने, ठीक है? अच्छा छोड़ो, मजाक कर रहे, क्या बात होगी बताओ। अरे कछु बात ना भाई है, ठीक है? बच्चा आपस में बात कर रहे थे कि देखो दूसरों के परिवार में और हमारे परिवार में कितना फर्क है, और घर में कितनी लड़ाई होती है, हमारे घर में सब लोग कितने प्रेम से रहते हैं। तो हमने कही देखो बेटा बाकी लाने ना, घर के अगर सुख शांति चाहिए तो परिवार के एक सदस्य को एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। तो कौन गलत कह दो, हमने यही कहो? बिल्कुल नहीं। अब हमें जो बताओ वो एक आदमी कौन है? हम ही है, और कौन है? माई अम्मा ने तो कब एडजस्ट एक बार फिर से करी है, हम ही है, हमें अपनों ऐसे लगो हमने बोल दी। अच्छा सुनो, अम्मा की तो आदत ही है, लेकिन अम्मा ने अगर कछु कही है ना रज्जो तो सोच समझ के कही हुए। हमें ना लग रहा हो कि तुम हमारे साथ हो। अब बुरू लग गो हमें? अरे हम तो शुरू से तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो सिर्फ देखो इतनो समझा रहे कि अगर अम्मा ने कौन बात पकड़ ली ना, पकड़ लें तुम छोड़ दो, रफा दफा करो ना मामलो ससार। हाँ तुम्हारी बात वैसे सही है, तुम ठीक कह रहे हो। और सबसे बढ़िया बताएं रामबाण इलाज, कल सवेरे उठ के गरम गरम अदरक वाली बनाइयो और अम्मा से माफी मांग लइयो। हाँ वैसे तो बात भी सही है। हाँ। पर हम छोटे हैं, माफी मांग लिए तो कौन से घट जाए। हाँ। जो तुमने आज जो पाठ पढ़ा लो ना, यही से तो तुम हमें शुरू से पसंद हो। अब सुनो कितनी बढ़िया आ रही ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आओ जाओ माहौल को फायदा उठाएं। उठा ले फायदा तुम्हें, उठा ले।